दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज मैं फिर हूँ आपके साथ करीब दो दिन बाद, क्योंकि दो दिन टाइम नहीं मिला, काम बहुत ज्यादा था और मैं छतरपुर पहुंच गया था कल, तो कल बहुत ज्यादा काम था, पहला दिन था। तो आज हम जा रहे हैं टीकमगढ़ और कोशिश करेंगे कि टीकमगढ़ में कुछ नया दिखाएं आपको, क्योंकि अब मैं डेली रूटीन नहीं डाल रहा हूँ, केवल कुछ नया डाल रहा हूँ, क्योंकि डेली रूटीन आपको अच्छा नहीं लगता तो नया मैं डालता हूँ। तो आज हम जा रहे हैं टीकमगढ़, तो देखते हैं कैसा होने वाला है दिन रोहित के साथ, और रोहित की सिलेरियो से जा रहे हैं, मजा आ रहा है, क्योंकि आज चलाना नहीं पड़ रहा है गाड़ी, तो जब गाड़ी कोई और चलाता है अपन बैठ के जाते तो बहुत मज़ा आता है। और आज हमारे साथ दिनेश भी है, दिनेश। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर टीकमगढ़ में। दोस्तों अब हम टीकमगढ़ से निकल रहे हैं, दिन में तो समय नहीं मिला, तो आप मेरे सामने देख सकते हैं खड़कुंडार नरेश महाराजा खेत सिंह खंगार। चंद्रवंशीय क्षत्रिय राजपूत थे ये, इन्हीं ने राजपूतों को सिंह शब्द की उपाधि दी थी, आप देख सकते हैं, और इन्हीं ने ही प्रथम अपने राज्य को हिंदू राज्य घोषित किया था। तो ये देखिए, ये महान योद्धा हैं वो, जिन्होंने क्षत्रियों को सिंह की उपाधि से नवाजा था। चलिए दोस्तों चलते हैं फिर आगे, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों समय नहीं मिला मुझे आज टीकमगढ़ में, बहुत ज़्यादा व्यस्त रही, और बलदेवगढ़ पहुँचे हम। बलदेवगढ़ में भी एक किला है जो मैं आज आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि समय अब नहीं बचा है, टीकमगढ़ में भी नहीं दिखा पाया आपको, तो फिर कभी मौका लगेगा तो फिर कभी लेके आऊँगा, तो आज का तैसे रखा नहीं। देखो मैं रोहित से कह रहा हूँ कि रोहित अगर थोड़ा ले चल सकते हैं अंदर से ले चलो, ज़्यादा नहीं तो बारी बार से दिखा दूँ। चलिए मैं करता हूँ कोशिश, हम तैयार हो गए और हम आ गए अंदर। मैं देखता हूँ कि कुछ ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि शाम को बंद हो जाते हैं ये सारी ऐसी इमारतें जहाँ पर इस तरह का होता है, किले विले सब होते हैं। तो दोस्तों हम एंटर कर रहे हैं पश्चिमी दरवाजे से, और ये दरवाज़ा इस पत्थर को, इस चट्टान को काट कर बनाया गया है, यहाँ से आम लोगों की आवाजाही नहीं थी, यहाँ से केवल सैनिक और जो मुख्य लोग होते थे वही अंदर आते जाते थे। और एक दूसरा रास्ता है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, यहाँ से आम जनता के लिए प्रवेश था। चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है नया, बहुत शानदार दिख रहा है यहाँ से मुझे, तो चलिए देखते हैं कैसा है, बने रहिए आप मेरे साथ। ओरछा रियासत की सबसे सुरक्षित नगरी बलदेवगढ़ को माना जाता है। राजा विक्रमजीत सिंह ने अपनी युद्ध सामग्री को रखने के लिए और भंडारण के लिए से बनाया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने गर्व गिरावन तोप, ऐसा कहते हैं यहाँ के लोग, जब ये तोप चला करती थी तो गर्भवती माताओं के गर्भ गिर जाया करते थे चमक से। बलदेवगढ़ को एक बहुत ही व्यवस्था से बनाया गया था, और आप देख सकते हैं मेरे सामने ये तालाब है, और ऐसे तीन तालाब राजा विक्रमाजीत ने बनवाए थे, उसमें एक ग्वाल सागर, दूसरा जुगल सागर, तीसरा धर्म सागर के नाम से, और ये तीनों तरफ से इस बलदेवगढ़ को घेर रखा है, और केवल एक ही रास्ता था जाने के लिए, निकलने के लिए, तो ये बहुत ही सुरक्षित और अच्छे व्यवस्था से बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं बीच में एक मंदिर है, ये सामने दिखाई दे रहा है, और इसके सामने जो दिख रहा है वो एक बावड़ी है, वहाँ पर स्नान करके यहाँ की रानियाँ जो यहाँ पर रहती थी वो वहाँ पे मंदिर में भगवान की पूजा करती थी, भगवान शिव का मंदिर है, तो यहाँ पर उनकी पूजा करती थी। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, तो जब आपको समय मिले तो आप ज़रूर आएँ देखने, और बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। चलिए मैं और ले चलता हूँ आपको अंदर। तो दोस्तों ये कभी बहुत अच्छी जगह रही होगी, कभी इसमें लोग आते जाते रहे होंगे, और ये बना हुआ है आप देख सकते हैं ऊपर, अब इसमें ताला लगा हुआ है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, और ये बाहरी हिस्सा है किले का, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत शानदार दिखाई दे रहा है, और अंदर जा पाते तो और अच्छा दिखाई देता, अंदर जाने की परमिशन नहीं है,
चलिए। परमिशन नहीं है अंदर जाने की, और थोड़ा बहुत दिखा पा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो चलिए आपको ले चलता हूँ दूसरी तरफ, वहाँ से पहाड़ियाँ दिखाई देती है, वो दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इस भवन के पीछे पहाड़ी है, जिस पहाड़ी के साथ हुआ जुड़ा हुआ वो दरवाजा है, जो दरवाजा पश्चिमी दरवाजा बोलते हैं, जैसे जो मैंने आपको दिखाया था अभी, तो उसी को काट कर बनाया गया था, और वो एक तरफ से पूरी पहाड़ी घेरे हुए है, जिसे काला पहाड़ भी कहते हैं, और जो इस तालाब को गहराई देने का काम करती है। और उस पहाड़ी पर तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अभी रात शाम होने वाली है, शाम मतलब हो गई है, और थोड़ी देर में रात हो जाएगी, और अब उस पहाड़ी पर जाने का समय तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर कभी मौका लगेगा तो फिर ले चलेंगे आपको उस पहाड़ी पर। बाकी ये देख सकते हैं आप सामने, कुछ इमारतें खंडर हो गई हैं, जर्जर हालत में हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं, अच्छी हैं, अच्छी अवस्था में है, कुछ एरिया बहुत सुरक्षित है। तो चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि शाम होती जा रही है और निकलना भी है, तो काला पहाड़ तो मैं आपको आज नहीं दिखा पाऊँगा, और आप देख सकते हैं वो दूर से दिखाई दे रहा है, जो वही काला पहाड़ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो आप ऊपर परकोटा देख रहे हैं, इसमें 7 मणियाँ हैं, 7 अलग अलग जगह देखने के लिए, यहाँ से पूरा बलदेवगढ़ दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं जो बने हुए हैं 7 ब्लॉक, इसे देख सकते हैं आप पूरा बलदेवगढ़। चलिए मैं चलता हूँ आपको और आगे। का जो बनाने का पैटर्न था वो बहुत ही शानदार था, और आप ऊपर से नीचे की जो ऊंचाई देख सकते हैं, इससे ये अभेद होता है कि इसमें कोई घुस नहीं सकता था। और उसके बाद आप जो मैं दिखाता हूँ आपको, पीछे की तरफ भी ऐसा बनाया गया था कि यहाँ तक भी सैनिक रहते थे, उसके बाद तालाब था, तो मतलब इसको इस तक पहुँचना बहुत ही दुर्गम था, बहुत मुश्किल था। चलिए अब आपको ले चलता हूँ और आगे। दोस्तों, मैंने आपको जैसा बताया कि ये भंडारण के लिए बनाया गया था, यहाँ पर सैनिक भी रहते थे, और युद्ध का सामान था वो भी रखा जाता था, तो उसी हिसाब से अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए थे, जैसे आप देख सकते हैं सामने, ये इसमें अलग कुछ व्यवस्था हुई रखने की, और ये सरकारी क्वार्टर है, मतलब इसमें लोग रहते थे, अभी भी इसमें कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोगों के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब मैं ले आया हूँ आपको मेन किले की तरफ, और यहाँ से आप देख सकते हैं सामने का पूरा नज़ारा, और ये इस किले की खासियत है कि ईंटों से बना हुआ है, मतलब मैंने बहुत सारे किले देखे जो पत्थर से बने हुए हैं, लेकिन ये ईंटों से बना हुआ है, और बहुत ही शानदार है। इसे बताते हैं कि इसे 1783 में ओरछा से जब राजधानी को ट्रांसफ़र किया गया टीकमगढ़ के लिए, क्योंकि मराठाओं से परेशान हो गए थे राजा विक्रमाजीत सिंह, तो उन्होंने अपनी सेना के लिए गढ़ बनाने का सोचा, तो उन्होंने बलदेवगढ़ को चुना, और बलदेवगढ़ में उन्होंने अपनी भंडारण की व्यवस्था और अपने सैनिकों के लिए ये बनवाया इस किले को। और इस किले की खासियत मैं आपको बता चुका हूँ, 3 तरफ से तालाब से घिरा हुआ है, और ये 55 से 70 एकड़ में इसका निर्माण कराया गया, और जो मुख्य दरवाजा था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है, पहाड़ से पहाड़ को काट कर इसको बनाया गया था, और आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने के लिए इसको तालाब भी बनवाए गए थे, जो मैंने आपको बताया अभी। तो ये बहुत ही अभेद और बहुत ही शानदार किला था, और बताते हैं कि जीतना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ तक पहुँच पाना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि तीनों तरफ से घिरा हुआ था, और सामने सैनिक रहते थे, और उन सैनिकों से बच के अंदर आ पाना, और टीकमगढ़ से केवल एक ही रास्ता था, और अब तो रास्ता छतरपुर से भी बन गया है, छतरपुर से रोड डल गई है, क्योंकि अब समय बदल गया है, इसलिए उस समय केवल एक ही रास्ता हुआ करता था जो टीकमगढ़ से आता था, और तीनों तरफ से इसमें सागर था, तालाब बना हुआ था, तो इसीलिए ये किला बिल्कुल अभेद था, मतलब इस तक पहुंचना बहुत नामुमकिन था। तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत शानदार किला है, बहुत अच्छा है, आपको समय लगे तो आइए ज़रूर। तो दोस्तों, हम चल दिए हैं आगे, और ये जो दरवाज़ा मैंने आपको बताया था, जो उत्तरी दरवाज़ा है, और ये देखिए आप, ये उत्तरी दरवाज़ा है, यहाँ से आवागमन के लिए, आम जनता के आवागमन के लिए रास्ता खुला हुआ था, और लोग आते जाते थे, आप देख सकते हैं ये। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधे और वापस छतरपुर के लिए। दोस्तों, आपको समय मिले तो आप जरूर आइए बलदेवगढ़ किला देखने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।